अस्सलाम वालेकुम। आज जो पेपर हुआ है FIA इंस्पेक्टर का 22/8/2023 को बैच 5 का कंप्लीट सॉल्व पेपर स्टडी में डिस्कस करने वाला हूँ। जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट पेपर्स आप तक पर वक्त पहुँचते रहें। पेपर को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है UN कन्वेंशन 1989 एब्रिविएशन। यूएन कन्वेंशन का 1989 में क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है UNCRC, या इसको CRC भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज। पहला जो लॉ ऑफ मोशन है इसको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिटियम इज आइसोटोप ऑफ। ट्रिटियम जो है ये कौन सा आइसोटोप है? इसका करेक्ट आंसर था 1 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोग्राम मीनिंग 2 or 3 डायमेंशनल। होलोग्राम जो इसका मतलब होता है 2 या 3 डायमेंशन, जिसका करेक्ट आंसर था 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थ साइज। जो अर्थ का साइज है इसको मेजर करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है? जिसका करेक्ट आंसर है 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस तरह के मजीद पेपर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाद एंड रामा आर एजेंसी ऑफ। खाद और रामा किस मुल्क की एजेंसीज का नाम है? जिसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान इज नॉट मेंबर ऑफ। पाकिस्तान किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है नेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द G20 इन 2022। जो G20 का समिट हुआ है वो किस मुल्क में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो आइन है इसमें कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है? इसका करेक्ट आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज जिन नंबर। कुरान पाक की 114 सूरतों में से सूरज जिन का कौन सा नंबर आता है? जिसका करेक्ट आंसर है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 0.01 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस तरह के मजीद पेपर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट इंडीज कब डिस्कवर्ड हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इशू बाय ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो इशू हुई है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इशू की है? इसका करेक्ट आंसर है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेलीस्कोप इज बेस्ट टूल फॉर साइकोलॉजिकल स्टडीज। कौन सी टेलीस्कोप है जो साइटोलॉजिकल स्टडीज के लिए बेस्ट टूल कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फाइनेंस पैक्ट 2023 हेल्ड इन। ग्लोबल फाइनेंस पैक्ट जो है 2023 का कहाँ पे हुआ है? जिसका करेक्ट आंसर है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस तरह के मजीद वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना सेंट्रल एशियन समिट हेल्ड इन। चाइना का जो सेंट्रल एशिया समिट है वो कहाँ पे हुआ? जिसका करेक्ट आंसर है जियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंटर ओलंपिक 2022 हेल्ड इन। विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ पे हुए हैं? जिसका करेक्ट आंसर है बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th आर्टिकल रिलेटेड टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। जो 38 आर्टिकल है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ मिलत। जिसका करेक्ट आंसर है अ यूनिवर्सल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स ट्रांसेंडिंग ऑल बैरियर्स ऑफ कास्ट कलर रेस नेशनैलिटी एंड टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब लीग समिट 2023 डेट। अरब लीग जो हुई है 2023 में
कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है 19 मई 2023 एट जद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस तरह के मजीद पेपर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियो गुटेरेस विजिट इन पाकिस्तान डेट। एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान का कब विजिट किया, इसका करेक्ट आंसर है 8 and 10 September 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन, ट्रांसफार्मर जो है किस उस पर वर्क करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है AC सप्लाई पे। इस तरह के मजीद क्वेश्चन जैसे हमें मौसूल होते हैं, हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे और एंड पे एक कंप्लीट सॉल्व पेपर भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग न्यू हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।